वंशी जी, फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। जितने मुझे आप देख रहे हैं, आपको परमेश्वर आशीषित करे। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय उसका 21 पद, वहां पर यूसुफ ने अपने भाइयों से इस प्रकार से कहा, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने उनको समझा बुझाकर शांति दी, तसल्ली दी और उनके साथ खड़ा रहा। फिर अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वो सेवक के समान, यूसुफ के समान बने, तो यहाँ पर लिखा है डरो मत। जिसने आपको अपराध किया है उसे एक तसल्ली देने वाला व्यक्ति बने। जिस प्रकार से यूसुफ बना, उसने अपने भाइयों को तसल्ली दी, अपने भाइयों को कहा मैं तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों का भी पालन पोषण करता रहूंगा। क्या आज कोई ऐसा भाई हो जो अपने भाइयों के लिए खड़ा हो जाए? क्या आज कोई ऐसा सेवक है जो सेवकों के लिए खड़ा हो जाए? क्या आज कोई ऐसा मनुष्य है जो दूसरों के लिए भलाई उत्पन्न करे? आज बहुत कम है मेरे प्रियो। आज सब अपना मतलब चाहते हैं, आज सब अपना अपना फायदा चाहते हैं, पर परमेश्वर के ऐसे इस यूसुफ के जन की तरह बहुत कम आगे आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वचन के मुताबिक आपको बनने की जरूरत है कि एक व्यक्ति यूसुफ की तरह इस प्रकार से कह सके डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। कभी भी इसने पुरानी बात को याद नहीं किया, कभी भी इसने इस प्रकार से नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ बुराई की थी, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का क्यों पालन पोषण करूं। कोई ब्लेम नहीं था, कोई सवाल नहीं था, पर इसका प्रेम को देखो। किसने कहा चिंता मत करो? आज परमेश्वर का वचन भी कहता है चिंता मत करो। क्या आप और मैं भी दूसरे के पास जाकर इस प्रकार से कह सकते हैं मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, चिंता मत कर, प्रभु का वचन कहता है इस प्रकार से कि मैं आज से आपका और आपके बच्चों का, आपके परिवार की सारी जिम्मेवारी लेता हूँ। एक इंसान शायद ऐसा ना कर सके, पर यूसुफ के पास वो पदवी थी, यूसुफ के पास वो अधिकार थे। यूसुफ ने पूरे मिस्र को और कनान देश के वासियों को और पूरी पृथ्वी पर जो पूरा अकाल था, उन सब की जिम्मेवारी को परमेश्वर के होते हुए और परमेश्वर के अनुग्रह से उसको पूरी रीति से निभाया। और जानते हैं वो कैसे निभा पाया? क्योंकि उस दर्शन का अर्थ फिरौन को उसने बताया था, और फिरौन का अर्थ बताने का कारण वो यूसुफ ने, फिरौन ने उसी को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया और उसे बड़ी समझदारी से पूरे देश को बचाया। सिर्फ ये देश को बचाने वाला नहीं बना, बल्कि अपने भाइयों के जीवन को भी बचाने वाला बन गया। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार को बचाने के लिए ताकत और सामर्थ्य रखता है। अगर आप उसमें विश्वास करते हैं, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, तो आज वो आपके साथ खड़ा हो सकता है। तो यूसुफ की तरह बने, कभी भी किसी की बुराई ना करें। अगर आपने, आपका किसी ने अपराध भी किया है, तो परमेश्वर से, प्रभु यीशु के नाम से माफ करें और परमेश्वर से कहें और परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर से दिखाएं। प्रियो, जब आप अंदर से प्रेम को दिखाते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है कि आप दूसरे के पाप क्षमा करते हैं। प्रभु की प्रार्थना में इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि पहले तुम अपने अपराधी को क्षमा करो तो वह भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देगा। ऐसे लिखा कि हे प्रभु, मैं अपने अपराधी को क्षमा करता हूँ, तू मेरे अपराध को क्षमा कर। इसने अपराधी को क्षमा किया यूसुफ ने और सही प्रेम को दिखाया। इसके अपराधी कौन थे? इसके भाई बंधु थे जो इसे निकालने वाले थे, जो इसे घर से निकाल चुके थे, जो पिता की, अपने पिता याकूब की नजर में बता दिया गया था कि किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ दिया है, किसी भेड़िए ने उसे फाड़ दिया है। और असली फाड़ने वाले भेड़िए कौन थे जो आज इसके सामने खड़े हैं, जो आज इसके सामने खड़े होकर माफी मांग रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 5 बार माफी मांगी, 1 बार नहीं। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बेशक माफी मांगने वाला माफी मांगकर छोटा बने, तो आपका बड़ा बनने का एक ही तरीका है, आप उन्हें माफ कर दें। बड़ा वही होता है जो माफ करता है, छोटा वो होता है जो माफ नहीं करता। पर माफी मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को दीन और नम्र किया और पश्चाताप लेकर आपके पास आया है, पर आप उसे माफ करना नहीं चाहते। यूसुफ ने किया। यूसुफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ मेरे प्रियो? यूसुफ को बेच दिया गया, यूसुफ को मारने का प्लान किया गया, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, यूसुफ 2 बार बिका है, यूसुफ जेल तक गया है, यूसुफ पे ब्लेम लगाया गया है, यूसुफ प्रधानमंत्री बना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी परमेश्वर का हाथ तभी हो सकता है जब हम बुराई से बचे रहेंगे, जब हम परमेश्वर का अनुग्रह में चलेंगे, तभी हम मेरे प्रियो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं परमेश्वर का दास आप लोगों से कहता हूँ, यूसुफ के समान अपने अपराधियों को क्षमा करो।
अपने भाई बंधु को क्षमा करो, अपने उन प्रियजनों को क्षमा करो जिन्होंने आपका कुछ अपराध किया है, और यीशु के अपराधियों को भी यीशु ने माफ किया। हे प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और बने रहे प्रियो प्रभु के प्रेम में। आमीन।